हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्टार चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है धर्म, यानी कि धर्म के विषय में यदि कोई अपराध घटित होता है तो भारतीय कानून इस विषय में क्या कहता है। तो इस विषय में फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि टोटल ये 5 सेक्शंस हैं अध्याय 15 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, और इंडियन पेनल कोड में चैप्टर 15 में सेक्शन 295, 295A, 296, 297 और 298 जो है ये रिलीजन से रिलेटेड है। यानी कि यदि रिलीजन से रिलेटेड यानी धर्म से रिलेटेड कोई अपराध होता है तो इन सेक्शंस के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है और जो सजा का प्रावधान है उसके अंतर्गत सजा दी जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैं सेक्शन 295 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और वन बाय वन आने वाली वीडियोस में मैं सभी सेक्शंस को कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये चैप्टर 15 है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी सेक्शन 295 के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो सेक्शन 295 है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, इसके मुताबिक जो इसके अंतर्गत जो दिया गया है यहाँ पे लिखा है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। आगे दिया गया है हूएवर डिस्ट्रॉयज डैमेजेस और डिफाइल्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड सेक्रेट बाय एनी क्लास ऑफ पर्संस विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्संस और विद द नॉलेज दैट एनी क्लास ऑफ पर्संस इज लाइकली टू कंसिडर सच डिस्ट्रक्शन डैमेज और डिफाइलमेंट एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में साफ तौर पर लिखा है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी पूजा या उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी एक विशेष वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट या नुकसान या अपवित्र इस मकसद से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए या यह संभावना जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा तो उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए यदि वो कोर्ट में साबित हो जाता है तो उसके लिए उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना हो सकता है या फिर सजा व जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इस सेक्शन के क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सेक्शन 295 में हम देखते हैं कि ये जो है एक कॉग्निजेबल सेक्शन है, यानी कि ये एक संज्ञेय अपराध है और साथ में ये एक नॉन बेलेबल सेक्शन है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। और साथ में मैंने आपको बताया कि ये एक संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें कि पुलिस को विदाउट वारंट जो है किसी भी मुलजिम को अरेस्ट करने की पावर होती है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस के बारे में बताया था कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, यानी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं और क्या है उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने सेक्शन 295 यानी धारा 295 इंडियन पेनल कोड आईपीसी के बारे में बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आने वाले वीडियोस में मैं सभी सेक्शंस को कवर करूंगा जो कि चैप्टर 15 आईपीसी के अंतर्गत आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल क्रॉसवर्सी लॉस्टार को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सचेत रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।